If you harm nature, then nature will harm you back. It's like Newton's third law. Every action has equal and opposite reaction. कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्रकृति को हानि पहुंचाएंगे तो प्रकृति भी एक भयंकर रूप ले सकती है और साल 2020 उसका सबसे बड़ा सबूत है, जिस साल हमें बहुत सारे ऐसे डिजास्टर्स के सामना करना पड़ रहा है और शायद इन सब की वजह कहीं ना कहीं हम इंसान खुद है। इसीलिए नेचर के और हमारे बीच में एक हारमोनी बने रहना, एक संतुलन बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी वेज ऑफ लिविंग। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए बनाई गई है और उन लड़कियों के लिए बनाई गई है जो अभी मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जिसे हम नॉर्मल भाषा में पीरियड्स बोलते हैं। ये मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस शुरू होता है 11 से 12 साल की उम्र से और 45 से 50 ईयर्स तक रहता है, डिपेंडिंग अपन द इंडिविजुअल्स। मेंस्ट्रुएशन के प्रोटेक्शन के लिए हमें मेंस्ट्रुअल पैड्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि डिस्पोजेबल होते हैं। ये इजी टू यूज़ है, ट्रैवल फ्रेंडली है और चीप भी है। हर महीने एक औरत को एवरेज 10 सैनिटरी पैड्स की ज़रूरत पड़ती है और पूरे लाइफ टाइम में 4200 से लेके 4500 पैड्स वो यूज़ करते हैं। एवरी मंथ 353 million इंडियन गर्ल्स एंड वुमेन्स आर यूजिंग सैनिटरी पैड्स, विच कैन जनरेट अ लॉट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल वेस्ट। ये सिर्फ मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, अगर पूरी दुनिया की बात करें तो बहुत बड़ा एक आंकड़ा सामने आ सकता है। और एक पैड को डिकम्पोज होने में 500 से 800 ईयर्स लग सकते हैं। इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इन पैड्स में काफ़ी सारे केमिकल्स यूज होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। तो से नो टू मेंस्ट्रुअल पैड्स। इस प्रॉब्लम के सलूशन के तौर पे मैं आज आपके लिए एक नहीं बल्कि दो ऑप्शंस लेके आई हूँ। पर्सनली मुझे दूसरा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगता है, इसे मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है और इसकी जो भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहला ऑप्शन है रीयूजेबल मेंस्ट्रुअल पैड्स। ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, माइक्रोफाइबर्स के बने हुए होते हैं। मैं पिछले 2 साल से इन्हें यूज़ कर रही हूँ। कुशनिंग किया हुआ होता है इसीलिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसमें बटन्स दिए गए हैं जो हम पैंटीज के साथ अटैच कर सकते हैं इस पैड्स को, और ये रीयूजेबल होने के साथ साथ इको फ्रेंडली है। और पर्सनली मुझे इस सोच नाम की कंपनी का जो रीयूजेबल पैड्स आते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इस तरह के का एक मेंस्ट्रुअल कवर भी मिलता है जिसके अंदर आप कोई भी इंसर्ट डाल सकते हैं। इसके एडवांटेज ये है, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इजी टू यूज़ है, इको फ्रेंडली है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, ये ट्रेवल फ्रेंडली नहीं होते और रेनी सीजन में इसे सुखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट प्रोडक्ट की, जो दूसरी प्रोडक्ट है वो है मेंस्ट्रुअल कप्स। ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जिसे आप सालों तक यूज़ कर सकते हैं, 10 साल तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं एक कप को। ये इस तरह का एक फॉर्म बॉक्स में आता है और ये अंदर एक पाउच दिया गया है, ट्रैवल फ्रेंडली पाउच है जो जिसके साथ आप इसे कैरी करके ले जा सकते हैं। एंड ये है वो प्रोडक्ट जो आपके सारे पैड्स को रिप्लेस कर देगा, बिकॉज ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मेंस्ट्रुएशन में हैं। और इस तरह से इसे होल करके आप इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट होने के बाद ये एक वैक्यूम सील बना देता है अपनी सारी ओर, और इस कप में ही आपका जो सारा मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो कलेक्ट होता है। जब ये कप
फुल हो जाए या फिर हाफ से ज़्यादा हो जाए तो आप इसे टॉयलेट में एम्प्टी कर दीजिए और उसके बाद आप उसे वॉश करके फिर रीयूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ मैं मानती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा सेफ प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन का यूज़ होता है। बट मैं स्कूल गोइंग गर्ल्स को ये रिकमेंड नहीं करती हूँ, उनके लिए थोड़ा सा ये तकलीफ़ देगा। इसीलिए अपनी, अगर आपकी छोटी बेटी है जो टीनेज बेटी है तो उनको आप ये मत दीजिए। बाकी हर एक उम्र की औरत इसे यूज़ कर सकती है। बस इसके साथ एडजस्ट होने में आपको 2 से 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आप इसके साथ यूज़ टू हो जाएंगे और आपने सारे जो पैड से उसे भूल जाएंगे। कोशिश करें कि जब भी आप मेंस्ट्रुअल कप खरीदें तो अच्छी कंपनी का खरीदें। मैंने ये एवरटीन कंपनी का ख़रीदा था अमेज़ॉन से, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसको आप 12 घंटे तक पहन के रख सकते हैं, लीक प्रूफ है। दिन में एक बार आप इसे गर्म पानी से धोइए या फिर स्टेरिलाइज कर दीजिए। कप के साथ आप एक इंटीमेट वॉश भी खरीद लीजिए, एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छा पीएच बैलेंस वाला इंटीमेट वॉश खरीद लीजिए। इस तरह का एक इंटीमेट वॉश आपको 4-5 महीने तक चल जाएगा। इससे आप इंटरनल पार्ट्स को और इस कप को क्लीन कीजिए। ये कप्स अलग अलग साइजेस में आती है। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते होते हैं, अमेज़न में आपको करीब 500 के अंदर मेंस्ट्रुअल कप्स और 250 या फिर 300 के अंदर आपको रीयूजेबल अच्छी क्वालिटी का सैनिटरी पैड भी मिल जाएगा। तो आप उसे जाके वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और ये सब हमें इसलिए भी यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है, इको फ्रेंडली है और हमारे कुछ स्टार्टअप कंपनीज़ ने इसे एक्चुअली शुरू किया है। ज़्यादातर ऐसे कंपनीज़ है रीयूजेबल, जो मेंस्ट्रुअल पैड्स है उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो आपको एक ही बार में अभी आपको परचेस करना है तो उसके बाद आप इसे सालों तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप अगर वर्किंग वूमेन है तो मैं मेंस्ट्रुअल कप की ही आपको सलाह दूंगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और आपको कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगा उसे भी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलकर इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय फॉर टुडे। जॉय आयर होम।